ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशनो मंगलानं च संवेशे पडमं हवै मंगलम पडमं हवै मंगलम। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चा। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है दीर्घ श्वास प्रेक्षा क्यों और कैसे। दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग हम करते रहते हैं, बहुत ही उपयोगी प्रयोग है। प्रेक्षा ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग दीर्घ श्वास प्रेक्षा का बताया गया। तो दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग हम क्यों करें, कैसे करें, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए और हमारा आज का जो प्रैक्टिकल है वो क्लास लेने के लिए हमारे साथ जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षक मनीषा जी नाहटा जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी शाखला से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी आज का सेशन आप प्रारंभ करें और मनीषा जी का
संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। अलका जी साखला। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन। गुड मॉर्निंग। यस यस करे एक बार। यस वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। यस खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। इसी के साथ कल महावीर जयंती का कार्यक्रम सबने अटेंड किया है, सब बहुत खुश थे। कुछ लोग अटेंड नहीं कर पाए यहाँ का प्रोग्राम, क्योंकि मुझे पता है कि वो भी महावीर जयंती के प्रोग्राम में लगे हुए होंगे। तो कल का विषय होने के साथ आज एक नया विषय आनंद भाई जी ने सोच समझ के एक एक व्यक्ति को जोड़ते हैं, उसी में आज की कड़ी में हमारे साथ जुड़ी है कोलकाता से मनीषा जी। तो एक बार केवल पहले स्वागत करें सभी। वेलकम 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 मनीषा जी, एमपी के फिटनेस केंद्र और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करता है। तो आज का विषय भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लास हमने सबने सुना है, जाना है और करते हैं और रोज लेते तो है ही, उसके बिना तो जीवन ही नहीं चलता। तो आप बोलेंगे कितनी बार श्वास का लेक्चर होता है, पर आपको पता है श्वास के बारे में जितनी बार जानोगे कुछ नया पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। और श्वास पर प्रेक्षा ध्यान, निश्वास प्रेक्षा वो करोगे तो रोज फायदा होगा ही। तो आज जो विषय है उसको इसलिए समझना जरूरी है, भगवान महावीर ध्यान करते थे। किस पर ध्यान करते थे आपको पता है? कौन बताएगा भगवान महावीर किस पर ध्यान करते थे? चलिए सबको पता है। हाँ राजेश भैया बता दीजिए, या तो राजेश भैया बोल सकते हैं। राजेश भैया ने हाथ ऊपर किया है। हम लोग चर्चा करते हैं रोज मनीषा जी, फिर विषय शुरू करते हैं ताकि थोड़ा सबका इन्वॉल्वमेंट भी होता है, तब तक लोग वीडियो भी ऑन करते हैं। राजेश भैया बता सकते हैं आप? यस करेक्ट, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। सबसे भगवान नासा ग्रह पर ध्यान करते थे, नासा ग्रह पर ध्यान करते, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। नासा ग्रह का तात्पर्य है बहुत गहरा होता है, तो इसका अर्थ है कि नासा ग्रह पर ध्यान करने वाला घ्राण मस्तिष्क, जो घ्राण मस्तिष्क है हमारा, उस पर नियंत्रण कर लेता है और उसके साथ उसको श्वास को देखना होता है, चाहे अभय की साधना हो चाहे क्रोध को। प्राण केंद्र भी बताया गया है। मैं भावीर से जुड़ा हुआ है इसलिए बाद में प्राण केंद्र बताने ही वाली हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हमें श्वास, भगवान महावीर का बहुत ज्यादा इस पर है। तो एक बार महावीर को गौतम ने एक बार पूछा, भंते जीव श्वास प्रास ले, श्वास प्रश्वास लेते है, भंते प्राणी जीव श्वास प्रश्वास लेता है, कैसे लेता है कैसे लेता है? अब सबको पता है श्वास अपने आप होती है, फिर भी भगवान महावीर ने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि चार दृष्टि से श्वास लिया जाता है। चार दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से, क्षेत्र दृष्टि से, काल दृष्टि से और भाव दृष्टि से। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये प्रत्येक जो श्वास लेता है और प्रत्येक श्वसन पुद्गल को वर्ण गंध रस स्पर्श युक्त सब होते हैं। महाप्रज्ञ जी कहते हैं जो श्वास को बहुत गहराई से जानेगा उसको पता चलेगा कि श्वास को भी एक रंग है, श्वास को भी एक वर्ण है। तो इतना डीप में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्वास का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, श्वास को जानना पड़ेगा। तो हमने जाना है कि हमारा जो श्वास होता है, ये जो श्वास होता है वो हमारे एक साइड से चलता है, फिर एक साइड से कितनी देर चलता है, कहते हैं कि 90 सेकंड चलता है, फिर दूसरे साइड से शुरू हो जाता है। और पता है आपका जब बायस श्वास चालू रहेगा तब दाया मस्तिष्क पटल चालू रहता है, और जब ये दाया चलेगा तब बाया चलेगा। इस दृष्टि से हमें श्वास प्रश्वास को जितना भी जानोगे उतना कम है, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, श्वास की अवधि कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रकार श्वास का अपने आयुष्य से भी बहुत सारा संबंध है। तो हम बार बार ये श्वास जानते ही रहेंगे, श्वास का और आवेग का संबंध है, श्वास का और कायस्थ का भी संबंध है। एक एक चीजों को जानना बहुत है,
तो भगवान पतंजलि ने भी कहा कि इंद्रिय पर ध्यान करो, इंद्रिय पर ध्यान करो, बाह्य सुख मिल जाएगा, आंखों का आनंद मिल जाएगा, कानों का आनंद मिल जाएगा, जीभ पर ध्यान करो, कल्पना करो, स्वाद सब मिल जाएगा। परंतु अगर हम श्वास पर आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कौन सा वर्ण है। रंगीन श्वास लेना सीखो, इतना पहुंच रहा है हमें। तो जब हम इतना जान रहे हैं एमपी के थ्रू, रोज रोज आगे बढ़ रहे, तो आप भी सब श्वास में आगे बढ़े और इसी विषय को और व्यवस्थित रूप से, ज्यादा रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करने आ रही है मनीषा जी नाहटा। ये कलकत्ता से है, ग्रेजुएशन उन्होंने कॉमर्स में किया है, और कई बार मैं बोलती हूँ कि जब योग होते तब लोग जुड़ते हैं, वैसे ही इनके योग थे तो ये परीक्षा ध्यान से जुड़ गई। इनकी किस्मत अच्छी है कि इनकी माँ ने उनको प्रेरणा दी कि कोरोना के कालावधि में व्यक्ति को कुछ तो अपना स्वास्थ्य का विचार करना चाहिए, तो क्यों ना तुम परीक्षा ध्यान करती हो। और जब भाग्य खुल जाते तो अच्छे मित्र भी मिल जाते, गुरु भी मिल जाते, इनको मंजू जी जैसी एक अच्छी गाइडलाइन करने वाली व्यक्ति भी मिल गई, मंजू सिफानी, आज हमारे परिवार से ही एक एमपी के और कल्याणम से, उन्होंने भी उनको प्रेरणा दी और ये भी आगे बढ़ी। तो ऐसे मंजू जी अभी वहां रुके नहीं, लेवल वन तो उन्होंने कर लिया और फिर आगे बढ़ने के लिए एमपी जीवन विज्ञान और परीक्षा ध्यान भी कर रही है। इसका मतलब ज्ञान में वो आगे भी बढ़ रही है। आप लोग क्यों परीक्षा लेवल वन करते हैं? चिंतन करें कि हम लोगों को सबको परीक्षा लेवल वन करना है। जब तक परीक्षा लेवल वन नहीं होगा, केवल लेक्चर सुनोगे और मैं आगे प्रश्न पूछूंगी, पीछे के भूलते जाओगे। आज भी मैं अगर पीछे का कोई प्रश्न विचारूंगी तो मुझे पता है ये लोग सोचेंगे और जवाब नहीं दे पाएंगे, परंतु लेवल वन करोगे तो बहुत अच्छी तरह से जुड़ेंगे। तो काम मनीषा जी, वेस्ट वेलकम, और मैं माइक आपकी ओर सपुर्द करती हूँ। क्या क्यों कैसे इसके बारे में बताइए और प्रयोग कराइए इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम मलका जी। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। कोलकाता से मनीषा नाहटा परीक्षा ध्यान लेवल वन प्रशिक्षिका हूँ। प्रयास कर रही हूँ पढ़ाई करने का, अब आगे देखिए जितना गुरुदेव की मर्जी। तो आज की अब टॉपिक शुरू करते हैं। परीक्षा ध्यान प्रणेता आचार्य श्री महाप्रभु जी के चरणों में वंदन। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। परीक्षा ध्यान प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भाषा में, हमारा जो प्रज्ञा का जागरण, हमें आज इतनी अशांति क्यों है? क्योंकि हमारा प्रज्ञा का ही जागरण नहीं हुआ। मन को शांत और स्थिर करने के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रज्ञा जागरण के लिए कुछ उपाय बताए। वो ध्यान का अर्थ अब हम समझें कि प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है। देखना, देखना तो हम लोग बाहर से देख ही गए हैं सभी आते हैं, लेकिन ध्यान के संदर्भ में प्रेक्षा ध्यान का अर्थ है भीतर की ओर देखना। हमने बाहर तो बहुत वस्तुओं को देखा है, सही गलत सब जजमेंट करते हैं, लेकिन जब आंख बंद करके प्रेक्षा ध्यान के विषय को सोचे तो ये सोचिए हमने, हमें अपने स्वयं को देखना है, तो जज करना है हम कहाँ सही हैं कहाँ गलत हैं। ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ हम आंखें बंद करके ही बैठ जाए। आंखें खुले में भी अगर हम जिस कार्य को अपने तल्लीनता से, अपने चैतन्य से कर रहे हैं, वही ध्यान होता है। अपने अतीत की स्मृति, भावी कल्पना, सब कुछ छोड़ के सिर्फ स्वयं को देखना है हम लोगों को। ओनली परसेप्शन, यू नो दैट मीन्स कि ओनली परसेप्शन, कि सिर्फ देखना है। किसको देखना है? स्वयं को देखना है। भगवान कहते हैं ना, एक अपनी आत्मा को जीत लिया तो बस, फिर 10 लाख योद्धा को भी जीतने की जरूरत नहीं है। अपनी आत्मा ही सबसे बड़ी है, उसको जीत लो, राग द्वेष खत्म कर दो, धैर्य रखो, विनम्रता रखो, सबके प्रति मैत्री रखो, वही सबसे बड़ा ध्यान है। गुरुदेव ने, तुलसी ने भी यही कहा, नैतिक मूल्यों का विकास करो। अलग से धर्म ध्यान करने की, आंख बंद करके बैठने की, समाधि करने की कोई जरूरत नहीं है। हम नैतिक हैं, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म का विषय है। अब हम श्वास पे आते हैं, है ध्यान की गहराई में जाने के लिए, क्योंकि अभी शुक्ल ध्यान पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान की गहराई में जाने के लिए सबसे बड़ा आलंबन अभी हम लोग श्वास का लेते हैं। श्वास क्या है, आपने कभी नोटिस किया है? हम लोग कितनी भी उपेक्षा करे, बेचारी श्वास है, दिन भर आ रही है जा रही है, वो कभी नहीं बोलती है मैं एक मिनट के लिए रुक जाती हूँ भैया आराम करती हूँ, नहीं करती है ना। वो दिन आ गई है जा गई है, आपसे उसको किसी तरह क्या कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए कि हाँ भाई मैं चल गई हूँ, तुम्हारे जीवन को चला गई हूँ, है ना।
जितना देखिए ये चीज को नोटिस कीजिए, जहां हम हमारा जीवन शुरू हुआ श्वास के साथ, खत्म भी हमारा श्वास के साथ ही होगा। श्वास बंद सब खत्म, काम सलट गया। तो हमारे शरीर की सारी, मन की, शरीर की और भावनात्मक जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब श्वास के ऊपर ही डिपेंड करती है, है? और हमारे सबसे बड़ी चीज है, हम जैसे हम श्वास ले गए हैं हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल गई है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई है। बाहर निकलने से क्या होगा, हमारे शरीर की जितनी विकृति है, जितनी अशुद्धि है वो सब बाहर निकल जाएगी। निकलने से ही तो हमारा शरीर शांत एकदम स्थिर होगा, शांत होगा और हमारा स्वभाव सही होगा। और उसके विपरीत मान लीजिए अगर हमने फटाफट सांस लिया, भाई छोड़ने में ना टाइम लगा गए ना लेने में टाइम लगा गए, तो क्या होगा, आधी ऑक्सीजन मिलेगी, आधा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा बाहर। तो उससे क्या होना है, हमारा मन अशांत होगा, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, होना ही है, ये निश्चित है। हमने भी कभी कई भी ट्राई किया है, क्रोध आता है तो कितना तेज आता है, सांस को श्वास कितनी तेज होने लग जाती है हमारी, या हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, खुशी होती है तो सांस जो है कितनी फटाफट चलने लग जाती है। तो परिस्थिति में सम रहने के लिए, समता का विकास श्वास के कारण ही संभव है। अगर हमने श्वास को साथ लिया ना तो हमारी समता अपने आप सट जाएगी। हमारे लंग्स के अंदर 7,30,00,000 एयर चैम्बर्स है, भी आपने सोचा है इतना सा लंग्स और इतने सारा एयर चैम्बर, ढंग से सांस लेते ही नहीं है तो क्या होता है, सिर्फ मुश्किल से मान लीजिए 2 करोड़ एयर चैम्बर है जिनके अंदर हमारे ऑक्सीजन पहुंच पाती है। तो और हम लोग को कम से कम 6 लीटर प्राणवायु हमारे लंग्स के कैपेसिटी है कि वो हमारे शरीर को दे दे, पहुंचती कितनी है, सिर्फ 0.5 लीटर। अच्छा अब 0.5 लीटर में भी क्या होता है, 50% तो हमारे ब्रेन को चाहिए। तो अब आप समझिए हमारे शरीर को कार्य करने के लिए अगर पूरा ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, हमको थकान भी होगी, हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन होगा, सभी कुछ होगा। वो तुलसीदास जी कहते हैं ना, तुलसी पास गरीब के को आवत को जात, एक बिचारा पास है आत जात दिन रात। बस एक वही है बिचारा, चुपचाप आ रहा है जा रहा है, वो ना गरीब देख रहा है ना अमीर देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा है। वो तो खाली देख रहा है हमको आना है, हर प्राणी के अंदर आ रहा है जा रहा है। हम लोग कितनी श्वसन तंत्र की उपेक्षा करें, श्वसन तंत्र हमारी कभी उपेक्षा नहीं करता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की उपेक्षा करके देखिए, खाइए एक दिन गड़बड़ चीज, देखिए वो आपका साथ छोड़ देगा, श्वसन तंत्र आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हमारे नाक के अंदर जो म्यूकस है ना, वो क्या करता है, जैसे ही हम सांस लेते हैं हमारे जितने डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको वहीं रोक लेता है, वो अंदर जाने ही नहीं देता है। तो हमारे भगवान मतलब प्रकृति ने ऐसे परमाणु से ही शरीर की रचना की है कि शरीर अपने आप ही गलत चीजों को नहीं ले। हाँ वो अब अलग बात है कि हमारी जीवा का स्वाद ऐसा हो गया है कि हम लोग खा गए हैं उल्टी सुलटी चीजें पी गए हैं, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दिन रात में आज अगर अपने लोग समझिए, एक बार में 15 से 17 मिनट अगर हम लोग सांस लेते हैं तो आप ये समझिए कि हम हमारे जीवन में 5 अरब बार श्वास प्रश्वास ले गए, 5 अरब बार। तो इसको अगर हम लोग दीर्घ श्वास को लंबा दीर्घ और लयबद्ध अगर हम लोग करने की सोचें तो आप सोचिए हमारा शरीर कितना स्वस्थ रहेगा, है ना। तो अब आप देखिए हमारा प्रयास सबसे पहले यही होना चाहिए कि हमारा श्वास मंद हो, दीर्घ हो, लयबद्ध हो, कि पहली बार जितना श्वास लिया है उतना ही समय हम छोड़ने में लगाएं। थोड़े थोड़े अभ्यास से ये सब चीजें पॉसिबल हो जाएंगी और इससे क्या होगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा। ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक होगा तो हमारे आध्यात्मिक विकास में श्वास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे शक्ति केंद्र का जागरण होगा अगर हम श्वास के ऊपर प्रेक्षा करके, अगर हम अपने शक्ति केंद्रों के ऊपर, क्योंकि मस्तिष्क को आपके पूरा रक्त मिलेगा तो मस्तिष्क के जितने भी आपके न्यूरॉन्स हैं जागृत होंगे, आपका एंडोक्राइन सिस्टम जागृत होगा, इससे आपको आपका जो श्वास प्रेक्षा है वह चेतना की ऊर्ध्वगामिता के लिए सशक्त माध्यम। हमारी चेतना का जागरण, आज हम इसीलिए तो सब साथ में बैठते हैं कि हमें हमारी चेतना के प्रति हम जागरूक हैं। अब जागरूक हुए हैं तो हमें हमारी चेतना को तो जगाना है। जगाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है श्वास। श्वास पकड़, अगर हमने श्वास को पकड़ लिया ना तो मन हमारे पक्का पकड़ में आ जाए, क्योंकि हमारे सारे के जितने भी हमारी इंद्रियां हैं वो धीरे धीरे हमारे वश में आने लगी, और अगर इंद्रियों का वश हो गया तो निश्चित ही हमारा मन पकड़ में आएगा।
और जब हमारा मन शांत हो जाएगा तभी तो हम चेतना के प्रति जागरूक हो पाएंगे। तो ये आप ये मान के चलिए कि श्वास का जो देखने का मतलब क्या होता है, श्वास देखने का अर्थ होता है राग द्वेष मुक्त शुद्ध चैतन्य का अनुभव, नॉट दर्शन, दैट इज अनुभव। ध्यान का अर्थ क्या है, जब हमारा अनुचिंतन का विषय अनुभव के स्तर पर पहुंच जाए। हमें अनुभव ही तो करना है चैतन्य का, इसीलिए तो हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हमें श्वास परीक्षा के विषय को समझना ही पड़ेगा। श्वास चित्त को श्वास के पथ पर केंद्रित करके केवल श्वास का अनुभव करना ही श्वास परीक्षा होती है। केवल श्वास को देखें, एक श्वास ही एक ऐसा आलंबन है जो हमारे पूरे शरीर पे, हमारे पूरे शरीर का क्रियाकलाप सिर्फ श्वास के ऊपर ही डिपेंड करता है। ऐसे तो श्वास परीक्षा तीन तरह से होती है, दीर्घ श्वास परीक्षा, समताल श्वास परीक्षा, समवृत्ति श्वास परीक्षा। तो आज हम लोग दीर्घ श्वास परीक्षा के बारे में जानेंगे कि दीर्घ श्वास परीक्षा से प्राण ऊर्जा का विशेष आकर्षण होता है, शक्तिशाली व्यक्तित्व का निर्माण होता है और हमारे मस्तिष्क में स्थित जितने भी केंद्र हैं प्राण केंद्र, वो सभी जागृत होते हैं। हमारे चैतन्य केंद्रों का जागरण श्वास परीक्षा के साथ ही होता है। इसीलिए हमें श्वास परीक्षा के विषय को अच्छी तरह समझना चाहिए और कुछ सही सीखें तो हमारे लिए भी बढ़िया होता है, क्योंकि ये सब गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का ही दिया हुआ है। और हमारे जो आदरणीय मंजू जी मैम, अलका जी मैम, ये सभी हम लोगों से बहुत सीनियर हैं। क्या बोलूं, इस विषय के बारे में तो कुछ कहने के लिए है ही नहीं। तो इन लोगों से ही सबसे मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। मैम भी हम लोग के क्लासेस वगैरह में आती है तो बहुत ही सही लगता है। तो मैं समझती हूँ कि अभी हमें ध्यान के प्रयोग के विषय में ज्यादा सोचना चाहिए। तो सभी अपने ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, सब अपनी अपनी सुटेबल स्थिति में आ जाएं, जो जिसके लिए जो सुटेबल हो वो स्थिति में आ जाए। जिस आसन में आप लंबे समय तक सुविधा पूर्वक स्थिरता से बैठ सके उस ध्यान आसन का चुनाव करें। जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन। कंधों को ढीला छोड़ दें, आंखें कोमलता से बंद करें, हाथों की मुद्रा वितराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। वितराग मुद्रा, बाई हथेली नीचे दाई हथेली ऊपर, और ज्ञान मुद्रा, हाँ आप लोगों को सबको पता ही है ज्ञान मुद्रा। 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते समय भमरे के समान कुंजन पर पूरा श्वास भरें। श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, उच्चारण
आत्मा के द्वारा आत्मा को स्वयं स्वयं को देखें। सभी मानसिक संकल्प करें, मैं चित्त शुद्धि के लिए उपेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए उपेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए उपेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। बायोत्सर्ग शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर करें। हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता सुझाव दें। शिथिल हो जाए। अनुभव करें शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर हो गया शिथिल हो गया है। टोटल रिलैक्स पूरे ध्यान काल तक बायोत्सर्ग की ये मुद्रा बनी रहे। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें।
श्वास को लयबद्ध और समतल करें। पहली बार श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे, श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं और छोड़ते समय सिकुड़ती हैं। चित्त को नाभि पर ले जाएं और पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। यदि विकल्प आते हैं तो उन्हें रोके नहीं, केवल निष्ठा भाव से देखें। बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। गहरी एकाग्रता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें। चित्त को नाभि से हटाकर नथुनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें एवं जानते हुए छोड़ें। चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पूर्णिमा के चांद की भांति चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। वहां श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। गहरी शांति व आनंद का अनुभव करें। आगे कृष्णाय शांत।
दो तीन लंबा श्वास लें और वर्तमान में लौटाएं। स्वयं सत्य को सबके साथ मैत्री करें, तुम भी जागरण प्रमुखम आहं विद्या और आचार का अनुशीलन सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए मेरे साथ सभी एक बार सगण सूत्र का उच्चारण कर अगहंते सगणम पवचा सगणम पवचा साहु सगणम पवचा केवली पन्नतम दम्मं सगणम पवचा तीन बार सत्य को वंदन करेंगे। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम अब दोनों हाथों के संपूर्ण बनाकर आंखों पर रखें, टिमटिमाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलें, पुनः प्रकाश में लौट आए। मैम एक डाउट है कि आप ट्रांस का फिर म्यूट हो गए मैम आप किया है आप बोलिए मैंने ओके ओके वो आपने सांस के बारे में जो बताया था ना बीच में सांस के बारे में जो जो प्रक्रिया मेडिटेशन में होती है सांस के लिए वो आप जरा फिर से समझाएंगे कैसे मतलब मेडिटेशन के दौरान सांस को कैसे रखना चाहिए हम सांस हमारा एकदम मंद मंद मींस वही मैं पूछ रही हूँ मतलब एकदम धीरे धीरे श्वास ले भी बोल रही हूँ थैंक यू बहुत अच्छा लगा मैम ध्यान करके अच्छा मैं आप लोगों से एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस श्वास का ही शेयर करना चाहूंगी मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने गुरुदेव तुलसी का एक कोई पुराना प्रवचन सुना था उसमें गुरुदेव तुलसी ने बताया कि आपके जिस शरीर से आपको अपना रिलेशन बनाना है तो वहां पर आप लोगस के साथ श्वास परीक्षा का प्रयोग करें एक लाइन मन में बोला एक सांस लिया लाइन एक बोला श्वास छोड़ा तो मैंने ये प्रयोग मेरी प्रेगनेंसी में किया था मेरी जो बेटी है वो बिना रोए हुए और आंखें खोल के पैदा हुई
अरे वाह, डॉक्टर्स को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा बच्चा हमने पहले कभी नहीं देखा। तो आप किसी भी शरीर में अगर दर्द हो तो ये प्रयोग है कि आप चार बार सूर्योदय के समय 12 बजे, शाम को और रात को सोने के समय 11 बजे से पहले, अगर हम एकदम दृढ़ संकल्प लेके चार बार लोगस का प्रयोग स्वास्थ्य रक्षा के साथ करते हैं तो निश्चित है कि आपका उस शरीर से आपका जो तादात्म्य है वो स्थापित हो जाएगा। आप उस शरीर, अब क्योंकि हमारा शरीर ना सिर्फ हमारी बात सुनता है, ये आप बात मान के चलिए, तो आप उस जगह को दो सिचुएशन देंगे। मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है, आपने घुटने के हाथ रख के स्वास्थ्य रक्षा के साथ लोगस का प्रयोग किया, फिर आप घुटने को सजेशन दीजिए कि भाई तुम ठीक हो जाओ, बहुत दिन से मेरे को परेशान कर रहे हो, आप ये प्रयोग करके देखिए। मनीषा जी, लोगस क्या होता है मैम? एक मिनट मनीषा जी, हम लोग है ना जल्दी लोगस के ऊपर पूरा एक सेशन शुरू कर रहे हैं। okay. लोगस एक पुस्तक है, बहुत सुंदर है, सबको मंगाने के लिए बोले, आप भी वो पुस्तक जरूर मंगवाना। ये पुस्तक बहुत ज्यादा साइंटिफिक है और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट हम बहुत लोगों को मिले और मुझे भी बहुत आया, कई लोगों को मैं देती हूँ तो वो सब, तो ये लोगस का मुझे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने सबको कहा। अभी हमारी एक पुस्तक चली है, पथ चुने पर कौन सा, पथ चुने पर कौन सा, क्योंकि पुस्तक में जितना डीप और डिटेल में होता है उतना लेक्चर में नहीं होता, तो हम क्या करेंगे पुस्तक लेके एक एक विषय को डीप में जा रहे हैं। तो पथ चुने पर कौन सा पुस्तक होते ही हम लोगों समय भी डीप में जाने वाले हैं, जैसे आप बताते हैं कि चार बार करना है, ये चार बार चार दिशा में मुंह करके भी करना नहीं, है। नहीं एक ही दिशा में, आप जहाँ हाँ आप पूर्व की दिशा में आप हाँ या फिर उत्तर पूर्व कोण में बैठे हैं, वो भी प्रयोग कर मनीषा जी, वो भी प्रयोग कराते कि चारों दिशा में से ही हम ऊर्जा ले लेते हैं और चारों दिशा में भी बोलते कि चारों नहीं होता है मैम, वो ना फिर पांचों दिशा होती है, चार दिशा में होके ना एक बार रिटर्न आपको पूर्व में घूमना चाहिए। वो तो ऐसे अलग अलग प्रयोग हम उस टाइम करवाने वाले हैं, उस टाइम तो लोगों के ऊपर हमारा डीप में चलेगा, उस टाइम आप भी आ जाइए, आपके एक्सपीरियंस और आपके भी सेशन है तो उस पर हो जाएगा, क्योंकि मैंने लोगस के विषय पे ना बहुत गहरा अध्ययन किया है। चलो बहुत बढ़िया, तो आप ये पुस्तक जरूर देखना तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी डेप्थ है, बहुत ज्यादा डेप्थ की इंफॉर्मेशन है। तो और कोई श्वास के बारे में जिसको बात करनी है वो श्वास का प्रश्न पूछे, मैं श्वास के बारे में बात करें। जय जिनेन्द्र। मनीषा जी बहुत सुंदर प्रयोग रहा आज का, हमेशा तो हम करते ही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा, बहुत से प्रयोग ध्यान के और योगा के हुए क्लास में, 2 साल से मैं जुड़ी हूँ, बहुत सुंदर लेते हैं, आज आपने भी बहुत सुंदर लिया, ज्योति केंद्र प्रेक्षा भी बहुत अच्छा हुआ और कहने का तरीका शांत सरल बहुत अच्छा था आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा है हमारे मंजू मैम की कृपा है जो उन्होंने हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, शंका कुछ है ही नहीं। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा प्रयोग था, बहुत सुंदर प्रयोग था, बहुत अच्छा लगा और आपने अच्छी जानकारी दी। लक्ष्मी जी, इसका प्रैक्टिस करें घर में, 5 मिनट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खाली बैठे हैं चलो बैठ गए 5 मिनट अपने श्वास को देख लीजिए, अच्छा लगा मैम, बहुत बढ़िया उपाय है श्वास परीक्षा। लक्ष्मी जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा लगा, मन एकदम शांत हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी, हाँ जय दिनेन्द्र, मनीषा जी, ओम राम, आप बहुत अच्छा प्रयोग करवाया। तो श्वास इतना जरूरी है, इतना जरूरी, भगवती आगम है, भगवती आगम, और इस भगवती आगम में इसका एक लंबा प्रकरण दिया है श्वास का, और इसके श्वास मार्गणा कहा है, श्वास मार्गणा, और इस श्वास मार्गणा में कहा गया है कि श्वास का रंग काला होता है, श्वास का रंग नीला होता है, और ये प्रयोग भी बताए हैं कि जैसे रक्तचाप पर नियंत्रण करना है तो नीले रंग का प्रयोग करना चाहिए श्वास के साथ, तो उसका संबंध है, जैसे लीवर और यकृत की प्रॉब्लम है उसको स्वस्थ करने के लिए पीले रंग का ध्यान करना पड़ता है तो लीवर का काम सुधरता है। तो प्रत्येक अवयव का अपना रंग है, प्रत्येक अवयव का अपना रंग है, और उस रंग के साथ
जब असंतुलन होता है तो प्रॉब्लम आती है, तो उस रंग को शक्तिशाली बनाने के लिए रंग के साथ रंगीन श्वास बोला है उसको, रंगीन श्वास का प्रयोग करना चाहिए। तो इसीलिए स्वास्थ्य और रंग का बहुत गहरा संबंध है, कभी हम इसमें और डिटेल बात करेंगे, चिकित्सा पद्धति के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो इस प्रकार श्वास का आज बहुत अच्छी बात चली, चर्चा हो गई। आनंद भाई जी भी जुड़े हैं तो वो भी बात कर सकते हैं हमारे से। आप देखिए एक लोगों में आनंद भाई जी में कितना वो है कि वो करके फिर वापस आके यहाँ जुड़ना, मतलब देखिए सुबह ये स्टार्ट करना, ये जो मन के भाव है कि मुझे सबसे बांटना है, ज्ञान बांटना है, ये जो आनंद भाई जी की प्रवृत्ति है। आनंद भाई जी के लिए ओम आराम, ओम आराम, ओम आराम आनंद भाई जी और मनीषा जी के बहुत अच्छे। ओम आराम, ओम आराम जी के लिए एक बार वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। तो आनंद भाई जी आप आपकी बात के साथ और प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी आपका। कल शनिवार है, कल का भी हमारा क्रम इसी समय रहेगा, परसों रविवार के दिन एक विशेष कार्यक्रम लेकर हम आ रहे हैं। हमारे साथ अहमदाबाद के जाने माने घुटना रोग विशेषज्ञ धीरज जी मरोटी जुड़ने वाले हैं। ढलती उम्र में घुटनों की समस्या क्यों आती है और उसका उपचार कैसे, बहुत ही एक जरूरी विषय पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो परसों रविवार को 9 बजे आपको सबको जुड़ना है। अब हम समापन की ओर चले, और कल का विषय रहेगा हमारा, देखो हमने भगवान महावीर पे शुरुआत की थी, तो कल हम अरिहंत पे जानेंगे, भगवान के साथ अरिहंत और केवल अरिहंत पर ही सफेद रंग का श्वेत रंग का ध्यान कैसा करना है। तो भगवान महावीर को जानना, कल बहुत अच्छी अच्छी बातें नहीं बताइए तो आप लोग उसको भी एक बार वीडियो में भी देख लेना, और फिर कल हम अरिहंत को जानते हुए भगवान महावीर के साथ में कुछ बातें जो उस दिन रह गई है बाकी उसको कंटिन्यू करेंगे और ध्यान करेंगे अरिहंत का। ओम आराम, ओम आराम। दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठे मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं आनंदमय हूँ, मैं शांतिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।